कचरा या कूड़ा किट जो कि हमारी रोजमर्रा की चीजों से निकलता है, जिसका बदबूदार और तारफुन ज्यादा समझकर पास से गुजरना भी पसंद नहीं किया जाता। इससे निमटना एक बड़ा मसला था, मगर आज के जदीद दौर में साइंस ने इसका तखमीना लगाकर इससे बिजली और गैस बनाने का फैसला किया। दुनिया में सालाना 2 अरब करोड़ टन कचरा पैदा होता है, जबकि पाकिस्तान में सालाना कचरा देखा जाए तो तकरीबन 1 करोड़ टन से भी ज्यादा पैदा होता है। इस कचरे को इस्तेमाल करके 5000 मेगावाट बिजली, 12000 टन खाद और 3.5 लाख बड़े सिलेंडर जितनी गैस बनाई जा सकती है। इस कचरे को जलाया जा सकता है, मगर इससे फिजाई आलूदगी का खतरा लाहक हो सकता है। अगर इसको रिसाइकल किया जाए तो बहुत सी अवामन में मददगार साबित हो सकता है। एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद 4 टन कचरे से 1.6 टन हरारत पैदा की जा सकती है। 1 टन कचरे से तकरीबन 2 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। साइंसदानों ने एक तहकीक के बाद एक ऐसा प्लांट ईजाद किया जो कि कचरे को इस्तेमाल करके हरारत पैदा करता है। इसको इंसुलेटर का नाम दिया। 1884 में दुनिया का पहला इंसुलेटर बरतानिया में लगाया गया। इसके इस्तेमाल से 7% तक कचरे को कम किया जा सकता है। दुनिया के बिस्तर ममालिक में इस तर्ज अमल को इख्तियार किया जाता है। चाइना सबसे ज्यादा 5264 मेगावाट बिजली कचरे से पैदा करता है, जबकि अमेरिका ने 2018 में कचरे से 14 अरब यूनिट बिजली पैदा की। पाकिस्तान से इस वक्त 50% कचरा ऐसा है जो कि उठाया जाता है और बाकी गलियों और नालियों में बह जाता है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने कूड़े को इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ों को तैयार करने का हुक्म दिया है और इसके लिए लाइसेंस भी जारी कर दिया है, ताकि पाकिस्तान को साफ सुथरा बनाया जा सकता है।